अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जादू के असर से रिश्ते में बंदिश हो सकती है, यानी कि शादी के लिए कोई रुकावट आ सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर किसी पर जादू का असर हो तो उसमें शादी की रुकावट बिल्कुल आ सकती है। बिना कोई मतलब ही रिश्ता टूट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कभी लड़की को रिश्ता पसंद नहीं होता, या कभी लड़के को पसंद नहीं होता, या कभी कभी इस तरह होता है कि लड़के या लड़की के वालिदैन को रिश्ता पसंद नहीं होता। यानी कि बिना मतलब ही, यानी बिना कोई वजह ही रिश्ता ख़त्म हो जाता है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं है। इस तरह अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल सही बात है कि जादू के असर से जो है रिश्ते टूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि अगर आप ये अमल खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये अमल खुद से नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि किसी आलिम के पास जाए या फिर कोई हाफिज़ के पास जाए और इस अमल को करवा सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको तीन सूरे जो है, तीन चीज़ों पर दम करना है और इसको इस्तेमाल करना है। देखिए, आप खजूर, पानी और शहद, इन तीन चीज़ों पर जो है आपको सूरह बकरा, सूरह फलक और सूरह नास, इन तीन सूरों को दम करना है और इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। देखिए, आपका रिश्ता जल्द ही जल्द कहीं ना कहीं हो जाएगा। बस पूरे यकीन के साथ करें और पूरे भरोसे के साथ करें, इंशाल्लाह जादू का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही आपको रिश्ते आने लगेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।